राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा थाना मलपुरा के क्षेत्र के अंतर्गत चौकी ककुआ के गांव बाद ग्वालियर हाईवे ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक। ट्रक के नीचे गिरने से ट्रक में लगी आग। आग लगने से ट्रक चालक व क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक इतनी भयंकर तरीके से गिरा कि भीषण गर्मी के कारण तुरंत आग के हवाले हो गया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की गाड़ी भी आग पर काबू नहीं पा सकी और ट्रक आग की भीषण तेज लपटों में सिमट के रह गया। देखते ही देखते ट्रक आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों के अनुसार ट्रक मथुरा हाईवे से ग्वालियर जा रहा था और ट्रक में पान का कत्ता भरा हुआ था। ट्रक की गति तेज होने के कारण ट्रक बेकाबू हो गया था और फ्लाईओवर से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही ट्रक की जोरदार आवाज़ होने के कारण वहां के ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना मलपुरा और थाना कागरोल की पुलिस फोर्स के साथ सीओ अतनेरा और एसडीएम मौके पर पहुंचे। वाईके सिटी न्यूज से जिला संवाददाता जितेंद्र कैन की रिपोर्ट, आगरा से। उनकी क्या देखा आपने? मैंने देखा ये गाड़ी मथुरा की घाट से आ रही थी। अच्छा, लक्ष्मी बाईपास के ओवरब्रिज पर चली। जैसे चलने के बाद ये गाड़ी टर्न लिया, गाड़ी ने गाड़ी ओवरब्रिज से ऊपर से नीचे गिर गई। अच्छा, नीचे गिरते ही इसमें आग लग गई। अच्छा, इसमें दो लोग थे? हाँ। कितने लोग थे इसमें? इसमें दो लोग थे। अच्छा, हमने तुरंत चौकी चार को फोन किया। अच्छा, चौकी चार सूचना कराने के बाद बताया, फिर को बुलाए, लेकिन जब तक निकालने की कोशिश की तब तक आग ने ट्रक को पूरी तरह अपने कब्जे में। आप भागे थे निकालने के लिए? हम लोग भागे थे निकालने के लिए। अच्छा, लेकिन आग ने ट्रक को अपने कब्जे में पूरी तरीके से ले रखा। दोनों की मौत हो गई? दोनों की मौके पर मौत हो गई।